अपने दादा के आश्रय में रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। एक जायदाद था वो भी बदमाश की माँ को दे दिया। अम्मा हमने फैसला कर लिया है, कल से हम काम पे जाऊंगा, मगर हमारा एक शर्त है। कैसा शर्त? अच्छा बेटा, वहां पे जाके गपशप मारेगा, फुटबॉल की बातें करेगा, उसके साथ साथ मछली भी पकड़ेगा। अब तेरे को क्या एतराज है? अरे एतराज नहीं है चम्मो, फायदा है हमारा। अच्छा इंसान है, लियारी के लिए कुछ करना चाहता है। उसने लियारी का लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ये जो इलाका में लड़का पढ़ा लिख गए ना, वो सब जब्बार भाई का वजह से। वो कहता है कि हम लोग पढ़ लिख गया इसलिए सारा दिन पढ़ा रहता है, अगर पढ़ लिख नहीं जाता तो मच्छियां तो पकड़ता कम से कम। अरे ये पूरा लियारी के लोगों को इसी बात से मसला है कि हम लोग पढ़ा लिखा है क्या? सुपियाना रंग चाहिए। अम्मा हमको तुमसे बात करना है। अच्छा डिजाइन है लेकिन पिछला वाला ज्यादा अच्छा था। अम्मा हमको ईद पे ऐसा ड्रेस बनाना है, हम बना लें? हाँ बनाओ बनाओ भले से। अम्मा एक हमने तुम्हारे लिए भी देखा है, ये वाला देखो ये कैसा है। अभी हम पे क्या अच्छा लगेगा? ये बहुत अच्छा लगेगा अम्मा। नहीं नहीं अभी हम बुड्ढा हो गए। नहीं अम्मा ईद पे तुम ये बनाएगा। अच्छा फिर हमको रंग ये नहीं चाहिए। अच्छा तो कौन सा रंग चाहिए? सुपियाना रंग चाहिए। हमको तुमसे बात करना है। हाँ तो आराम से बैठो फिर बात करो। आप बोलो क्या बोलना। उसको दूसरा कमरा में भेजो अम्मा। ये दूसरा कमरा में नहीं जाएगी, जो बात करना है इसका सामने करो। तुमको अच्छा नहीं लगेगा अम्मा? तो ये दूसरा कमरा में जाएगा तो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा इसका ये स्कूल खत्म कराओ। इसने पढ़ लिया ना बस बहुत हो गया। इसको बोलो जब तक इसका शादी नहीं हो जाता ये घर पे रहेगा। अब देखो नादर, हमारा बेटी पढ़ा लिखा है, इलाके का बेहतरी चाहता है। अभी तुम सोचो इलाका में पढ़ा लिखा लोग होएगा, अफिसर बनेगा, तो इलाका कितना अच्छा हो जाएगा। अरे अम्मा हमको सब ये मत बताओ। अम्मा हमको नहीं पसंद ये स्कूल, वो मुक्का बहादुर उसका घर आना जाना। अरे तो मैं एक दफा गया था, अभी क्यों जाएगा? अब तो सब कुछ स्कूल में ही होएगा ना, उसका दादा भी और उसका पोता भी। देखो नादिन हमारा बात सुनो, हम तुमसे प्यार से बात करते है, इस मामला में शकीला से दूर रहो। अम्मा हम नादिर हूँ, नादिर भाई, और हम ही बगैरत हो जावे ये नहीं होएगा। अम्मा अम्मा हम तुमको पहले ही बोल रहे हैं, अगर कल इसने घर से कदम निकाला तो तुम हमको जानता नहीं। अम्मा क्या नहीं जानता? क्या करेंगे तुम बोलो, क्या करेंगे? हम पेट्रोल चढ़ के इसको आग लगा देगा, आग समझा? अगर यकीन नहीं आया ना अम्मा तो इसको स्कूल भेज के देखना का, हम बाहर ही होएगा फिर बताएगा हम क्या करेगा। दरवाजा, अरे तुम फिकर नहीं करो कामा का, कुछ भी नहीं कर सकता ये, हमको समझाना आता है इसको। अम्मा हमको डर लग रहा है। अरे नहीं डरो, हमें हम संभालेगा इसको। अरे तुम अंदर क्यों नहीं आया, बाहर क्यों खड़ा है? जब जाना ही बाहर है तो अंदर आने का क्या फायदा? वैसे बड़ा टेढ़ लग रहा है तुम, अंदर से पुल मचेरे वाला पीलिंग आ रहा होगा। देख अगर तू पढ़ा लिखा हो कि ये काम कर सकता है तो हमको क्या एतराज है? अम्मा अब्बा को भी तो खुश करना है ना,
और हमने अभी तक कोई नौकरी भी नहीं किया, और ये फुटबॉल का गेम तो उनकी समझ में नहीं आएगा ना। और इसी वास्ते तो तुमको हमने अपना साथ रखा है कि एक वक्त में तुम दो दो काम करेगा। चलो अभी देर हो रहा है, ऑटो थोड़ा। चलो यार चलो, ये पापड़ हमने लिया है, इसका पैसा दे देना। आजा आजा। तो आदत बन जाएगा तुम्हारा, हर चीज मेहनत मांगता है। हम सीख जाएगा ना जल्दी। हाँ, आप अपना हाथ बचाना, हाथ पे कटवट ना लग जाए इससे। अपना हाथ बचाना, इसमें कटवट ना लग जाए हाथ पे। पानी थोड़ा ठंडा लग रहा है। देखो तुमने लंगर डाला था क्या? अरे यार, हमको ये सब नहीं आता है, मगर इसी के बीच में आँख खोला है। तुम थोड़ा सा सिखाएगा, हम जल्दी बहुत सारा सीख जाएगा। अरे हम बताएगा ना, तुम एक बार कोशिश तो करो। इसको ऐसे पकड़ो। ऐसे पकड़ा तो ये उल्टा हाथ से पकड़ो, ये उल्टा, ये उल्टा। अब जब हम कश्ती में जाएगा ना, तो तुमने ऐसा कश्ती में यूं करके फेंकना है। अरे तो चलो ना कश्ती में, अभी यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। आओ चलो चलो। अरे तुम तो डर गए, तुम समझा नादिर भाई? हाँ अल्लाह की कसम, हम ये समझे नादिर आ गया। चला बैठ, छोड़ता है तुमको। नहीं नहीं, तुम बैठ के जाओ, हम खुद आएगा। वैसे भी थोड़ा सा रास्ता रहता है। अरे तुम हमको नादिर भाई समझ के डर रहा है, क्या हो गया तुमको? हम नहीं डर रहा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर कोई और देखेगा तो क्या समझेगा? अरे कोई देखेगा ही नहीं। अरे तुम हमारा दोस्त का बहन है। साबु तो यही समझेगा ना कि तुम अपने दोस्त को धोखा दे रहे, उसके पीछे उसकी बहन के साथ घूमते। अरे तुम इतना सोचते? पहले सोचना ही अकलमंदी है। और वैसे भी अगर नादिर ने आज हमको तुम्हारे साथ इस तरह बाइक पे घूमते हुए देख लिया ना, तो कल को वो भी बाइक लेके खड़ा होगा, बोलेगा पेशल के साथ जाने में तो कोई मसला नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं जाते है। अरे ठीक है ठीक है, तुम पैदल ही आओ, हम जा रहा हूँ। वैसे तुम ना दिल का बड़ा हल्का है, हर बात शायद भाई को बताते, ये जरूरी? अरे दिल का हल्का नहीं है। आपका क्लब से क्यों? मुल्क का नाम रोशन तो किसी भी क्लब के खेलने से हो सकता है। शायद तुमने मेरे जुमले पर गौर नहीं किया, मैंने कहा कि मुल्क के साथ साथ मेरे क्लब का नाम रोशन। अरे दादा, पुलिस क्या करने आ रहा है? हर इंसान अपने शौक के लिए टाइम निकालता है, फिर उस पे इन्वेस्ट भी करता है। अरे ये हमारा शौक नहीं, हमारा जुनून है, और हम बहुत जुनूनी है इस शौक में। अरे इधर देखो रे। अरे नादिर भाई, डॉक्टर नहीं आ रहे ला। अरे लियारी वाला बोले तो हम पानी का प्लांट तो नहीं लगवा के दे सकता, लेकिन अगर कोई यार बोले हमारा तो हम कल ही लगवा दूं। अरे दादा, तुम इस इलाके का भाई है, तुम कुछ भी करा सकता है, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? अरे दादा, जाते जाते रुक गया था, तुमको कुछ कहने वाला था। अरे दादा, लव यू बोलने आया होगा। पता है तुझे। अरे दादा, पुलिस क्या करने आ रहा है? तुमको हमारे साथ आने जाना होएगा। हमको? हाँ, नादर तुमको बोलता है, बैठो गाड़ी में, बिठा उसको गाड़ी में। अरे जा रहा है, जा रहा है, आएगा रे। ए, नादर दादा को लेके यार। अरे फोन मोन करो, बुलाओ किसी को, छुड़वाना है उसको यार।
हेलो, हाँ तो अंदर भेज दो। हाँ हाँ भेज दो। आइए आइए प्लीज, अंदर आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, प्लीज बैठिए। अच्छा क्या लेंगे आप पहले, चाय कॉफी कुछ ठंडा? अरे नहीं नहीं बस थैंक यू, आपने हमको बुलाया लेकिन हम आपको जानता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी जान लोगे, जानने में किसी को कितना टाइम लगता है। दरअसल हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, हमारा एक बॉक्सिंग क्लब है और मुझे और मेरे वालिद साहब को बॉक्सिंग का बहुत क्रेज़ है, इसलिए हमने अपना एक क्लब बना लिया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे क्लब के लिए खेलें। अरे आपने कहाँ देख लिया हमारा वीडियो? हमारा मतलब है कि आप लोग इतना बड़ा लोग हैं, आप लोगों के पास वक्त होता है क्या ऐसा वीडियो देखने का? पहले आप ये बताएं आप लेंगे क्या, अभी तो आपसे दोस्ती भी करनी है। अरे मैं ठीक हूँ, तकल्लुब का जरूरत नहीं है। देखिए फैसल, हर इंसान अपने शौक के लिए टाइम निकालता है, फिर उस पे इन्वेस्ट भी करता है। अरे ये हमारा शौक नहीं, हमारा जुनून है और हम बहुत जुनूनी है इस शौक में। हमको पूरा घर बोलता है कि अगर बॉक्सिंग करनी है ना तो साथ में कोई काम भी करो, मगर हम बोलते हैं कि यही हमारा काम है और यही हमारा खेल है, इसके दरमियान में हम किसी को ला नहीं सकता है। अच्छा और घर में कौन कौन है आपके? हमारा घर में अम्मा है, दादा है। दादा बहुत कुछ होता है हमारा बॉक्सिंग लड़ने से, अम्मा हर बार चिक चिक करता रहता है, कहता नहीं मिलेगा तुमको कुछ इस मुक्काबाजी से। क्या मुक्काबाजी? हाँ वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो बॉक्सिंग को मुक्काबाजी कहते हैं, उसको बोला नहीं जाता है। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ शायद उनको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना बड़ा शौक है और ये खेल भी कितना बड़ा है। अरे हम यही बात अम्मा को बोलता है। अच्छा मैं जरा अपने डैडी को बता दूं कि आप आए हैं, एक मिनट। हाँ डैडी वो फैसल याद है बॉक्सर? जी 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 वो हमारे ऑफिस में इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं चाह रही थी कि मैं आपसे मिलवा दूं। ठीक है हम आ रहे हैं। ओके दरअसल मेरे डैड मेरे बॉस भी हैं, उनका पूरा एक प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। जी जी सही बोल रहे आप। वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत मासूम और बड़े अच्छे दिल के इंसान लगते हैं। अरे चलाकों की भी क्या करना है मैडम, इंसान सोचता रहता है फजूल की बातें, लेकिन होता वही है जो अल्लाह पाक चाहता है। ऐसे मासूम लोगों की मुझे एक यही बात सबसे अच्छी लगती है, उन्हें लगता है कि जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और चालाक लोग उन्हें लगता है कि सारी की सारी उनकी प्लानिंग है। एनीवे चलिए मैं आपको अपने वालिद साहब से मिलाती हूँ, आइए आइए प्लीज। आइए आइए प्लीज। हाय बाबा। वालेकुम अस्सलाम। फैसल तुम्हें मैदान में खेलता देखकर बहुत खुश हूँ, बैठो। थैंक यू सर। आलिया ने तुम्हें बताया होगा कि हमारा भी यही शौक, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के नौजवान हमारे क्लब से खेलें, मुल्क के साथ साथ हमारे क्लब का नाम भी रोशन हो। आपका क्लब से क्यों, मुल्क का नाम रोशन तो किसी भी क्लब के खेलने से हो सकता है। शायद तुमने मेरे जुमले पर गौर नहीं किया, मैंने कहा कि मुल्क के साथ साथ मेरे क्लब का नाम रोशन हो। ओह अच्छा अच्छा, मानिए आप अपना क्लब का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। हाँ हाँ भाई, हम चाहते हैं तुम काबिल खिलाड़ी हो तो मैं आगे आना चाहिए, क्योंकि तो हमारे पास बहुत ही अच्छे कोचेज और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक खिलाड़ी को अच्छा बनाने के लिए कोचेज का कितना हाथ है। देखो हम तुम्हारे लिए सब करें, इंटरनेशनल लेवल पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी दिलवाएंगे,
हाँ और आप ये सब इसीलिए चाह रहे ना कि आपका क्लब का नाम रोशन होवेगा। हाँ इससे पहले तो तुम्हारा नाम रोशन हो। हाँ अभी कोई फैसला मत, जल्दी में किए हुए फैसले अक्सर गलत होते, सोच कर बताना ठीक है? ठीक है सर, हम आपको सोच के बताऊंगा। हम चलता है भैया। हाँ चलो, तुमसे थोड़ी और बात भी करनी है। हाँ भी मैं चलिए। ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अरे अगर पैसा सिर्फ इंसान खाने पीने और पहनने के लिए रखे तब तक तो ठीक है, लेकिन इधर तो लोगों को हवस है हवस। चाचा आप जैसा इंसान एक दो और होता ना तो हमारा लियारी का भी बहुत नाम होता। अरे ये दो तो हम लोग का सामने खड़ा है, अभी बहुत सारे लोग हैं इस इलाके का तरक्की के लिए काम करने के लिए, हम लोग किसी से पीछे नहीं रहेगा। हम तो सिर्फ इतना चाहता है कि पुलिस वाला उसको समझाए कि घर में इंसान बनकर रह वे, बच्चा है हमारा। अम्मा हमको लगता है हमने गलत किया, नादिर भाई को सारा पुलिस वाला जानता है, उसको छोड़ देगा। अभी हम कब जाता है कि पुलिस वाला उसको ताने में बांध कर रखे, हम तो सिर्फ इतना चाहता है कि पुलिस वाला उसको समझाए कि घर में इंसान बनकर रहवे, बच्चा है हमारा, हम प्यार करते हैं उससे, लेकिन वो तो अरवा कदम की देता है, माँ बहन को भी गली वाला समझाए। अम्मा हमको लगता है अब वो हमको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि अब तो जरूर पहुंचाएगा। बस करो अपना बकवास बंद करो, शहनाज नाम है हमारा, तुमको हाथ लगाएगा तो उसका हाथ तोड़ देगा, हम खुद भी उसका ऐसा धुलाई करता कि उसको मजा आ जाता, लेकिन हम सोचा पुलिस वाला अपना जबान में समझाएगा तो इंसान का बच्चा बनेगा, अभी उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो हम उसको छोड़ेगा नहीं। असल में अम्मा हमको खुद भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपना भाई के साथ ऐसा करें। अरे गरक करो तुम मत सोचो। अच्छा अम्मा हम जाऊँ फिर, हमको मास्टर साहब के साथ जरा स्कूल का सेटिंग भी कराना है और गली वालों से बात भी करना है कि बच्चा लोगों को स्कूल भेजे। हाँ तो जाओ बेफिक्र होकर जाओ। अम्मा मगर हम बोला ना जाओ तो बस जाओ। अच्छा अम्मा जाता है हम। आज फैसल आज डरो नहीं, आज आज हम तो कब से सोच रहा था फैसल, फिर हमको ख्याल आया कि अरे तुम तो बूढ़ा हो गया है, अकेले तुमसे ये काम सारा नहीं होएगा। लेकिन एक बात है फैसल, वो लड़की है ना, उस लड़की ने हमको बहुत हौसला दिया है। हाँ अरे दादा सच पूछो तो हमको यकीन ही नहीं आ रहा था कि नादिर का बहन इतना पढ़ा लिखा भी हो सकता है। एक उसका भाई है जो पूरे लियारी का नाक में दम करके रखा है, और एक ये है जो लियारी के बच्चा लोग को पढ़ाना चाहता है। हाँ। अरे आओ 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 बच्चा, अभी हम तुम्हारा तारीफ करेंगे। देखा चोट नहीं लग जावे फैसल। और हम घर में आपका तारीफ कर रहा था। अभी हमने बच्चा लोग को बोला है कि इधर आओ, इधर सफाई बफाई करो, और सामान का भी बोल दिया है हमने, कुर्सियां मेज टेबल सब इधर आएगा, इधर तुम लगाएगा, उधर फिर बच्चा लोग का पढ़ाई शुरू। ठीक है आप साथ होएगा तो सब काम बहुत अच्छा होएगा। अरे हम लोग तो तुमसे पहले खड़ा है इलाके के लिए, तुम लोग का साथ देने के लिए। चाचा आप जैसा इंसान एक दो और होता ना तो हमारा लियारी का भी बहुत नाम होता।
अरे ये दो तो हम लोग का सामने खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं इस इलाके का तरक्की के लिए काम करने के लिए, हम लोग किसी से पीछे नहीं रहेगा। तुम लोग का पता है नौशीन डॉक्टर बन रहा है और इस साल MBBS कर लेगा वो। हाँ हमने सुना है, लेकिन हमारा उससे ज्यादा बातचीत नहीं है। हम लोग का फैसल बहुत पढ़ा लिखा है और इसका जितना दोस्त है वो सब पढ़ा लिखा है, है? जी हमको पता है, और आप अगर ज्यादा मसरूफ नहीं होता ना तो आप भी हमारे स्कूल को थोड़ा टाइम दियो ना। अरे आप बस शुरू करो, हम आपका साथ ही खड़ा हूँ, कोई ऐसा मसले का बात ही नहीं है। अरे ये बच्चा लोग अभी तक नहीं आया है, हम देखता है जाके कि ये क्या कर रहा है, अभी तक नहीं है। सामान आएगा रखना पड़ेगा, काम शुरू होएगा ना भाई, वो आएगा सफाई वफाई होएगा अभी सामान रखा जाएगा, हम जाके देखते हैं। तुम लोग इधर रहो ख्याल से। हाँ ठीक है। वैसे आप क्या करता है? अरे हम आपको बताएंगा तो आप बोलेंगे इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या, जाया किया सब। फिर भी अम्मा उसको मुक्काबाजी कहते हैं और हम उसको बॉक्सिंग। ओह तो आप बॉक्सर हैं। अभी हम सफर में हैं, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएगा तो जरूर बनेगा। जरूर पहुंचेगा, इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगा। वैसे आपको कितना टेबल कुर्सी चाहिए होगा? हम सोच रहे हैं कि 4 इधर आ जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा, और एक बेंच को हम ना पीछे सेट कर लेगा और इस कुर्सी को ना हम आगे लगा देगा, और एक टेबल भी हमको चाहिए होगा। अरे बोर्ड भी तो, ब्लैक बोर्ड उसको भी हम सेट करेगा ना। हम आपका मदद करें थोड़ा, जब तक लोग मोग नहीं आ रहा है सफाई कराने में। हाँ चाचा के आने से पहले हम थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, अभी आप हमारा साथ दो तो हम इसको सेट करें। आप फिक्र ही नहीं करें, अभी इसको सही करता हूँ। ठीक है। कैसा लगा तुमको मछली पकड़ के? हमको क्यों बुरा लगेगा? अगर ऐसी बात है तो तुम हमको टालता क्यों था? हम इसलिए टालता था क्योंकि हमको डर था कहीं हमारे अंदर लालच ना आ जावे। अरे पर पैसा तो जरूरत है ना? पैसा जरूरत है, अगर पैसा जो है ना वो लोगों के अंदर लालच पैदा करता है। अरे अगर पैसा सिर्फ इंसान खाने पीने और पहनने के लिए रखे तब तक तो ठीक है, लेकिन इधर तो लोगों को हवस है, हवस। यहाँ पर हमारे इलाके का लोग तो रोजी रोटी के लिए कमाता है। यही तो गलत है, हम कहता है रोजी रोटी से आगे सोचो, कुछ बड़ा सोचो। अरे पर इन वसाइल में रोजी करेगा या तरक्की? इंसान अपने वसाइल खुद पैदा करता है। अब एक ज़माना था जब इंसान जंगल में रहता था, उधर किसने वसाइल पैदा किया? तुम जो चाहता है उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। अरे हम तो कहते हैं उसके लिए सोच ज़रूरी है। अभी देखो हमारा माँ बाप जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि हम अपने बेटे को लिखाएगा पढ़ाएगा। अब एक मछेरे का बेटी डॉक्टर बन रहा है आज, कोई सोच सकता था? हाँ शायद। चलो अभी चलो। आपने सही सुना है, नादिर भाई को पुलिस ले गया है। अरे लेकिन क्यों?
उसको हमारे स्कूल बनाने पे बहुत एतराज था और आपके दादा के साथ तो बहुत ज्यादा। अरे उसका हौसला उसका यकीन बड़ा पक्का है। वो ऐसे जाल फेंक रहा था, हमको लगा जैसे बहुत बड़ा कोई फुटबॉलर हो, और ये सब वो तफरी में कर रहा था। उसका यकीन देखकर लग रहा था सब बदल जाएगा। अरे पता कोच क्या बोल रहा था? कोच बोला था अगर हम ये मैच जीत गया तो हमारा पूरे कराची में नाम हो जाएगा और हमारे लिए नेशनल लेवल पे खेलना बहुत आसान हो जाएगा। अरे इंशाल्लाह तू खेलेगा भी और जीतेगा भी। हो गया। चलो अच्छा है। दादा नहीं दिख रहा है, दादा कहाँ गए? वो तो नमाज के लिए मस्जिद गए। चलो हम चलता है। वैसे हमको तुमसे ये पूछना था कि ये बात सच है कि आपने सही सुना है, नादिर भाई को पुलिस ले गया है। अरे लेकिन क्यों? उसको हमारे स्कूल बनाने पे बहुत एतराज था और आपके दादा के साथ तो बहुत ज्यादा। अरे ये क्या बात हुआ है? अरे तो वो खुद बना लेता है स्कूल, हम तो वैसे भी तुमको जगह दे देता, और हम और हमारा दादा वैसे भी मदद करता है। हम मदद करने से मना नहीं करता हूँ, और ये तो अच्छा काम हो रहा है। लेकिन नादिर भाई को तो आप जानता है कि वो कैसा है। लेकिन बात पुलिस तक कैसे पहुँचा है? अम्मा गया था थाने। अम्मा? हमारा अम्मा गया था थाने। हमारा अम्मा बहुत दिलेर है, वो नहीं डरता मरता किसी से। उसने नादिर भाई को समझाया था, लेकिन नादिर भाई अम्मा को भी धमकी दे रहा था। फिर क्या, अम्मा को भी जो समझ आया अम्मा ने कर लिया। वैसे तो अम्मा ने बिल्कुल ठीक किया, वो ऐसे ही समझेगा। चलो हम चलता है। दादा है तो उनको कहना कि हम क्लब गए हूँ प्रैक्टिस करने, ठीक है? ठीक है, हम बोल देगा। जी भाई। अरे हम पर इधारों को यकीन ही नहीं आता, क्या मैं एनजीओ भी चला सकता है? अरे हमको डॉक्टर बन जाने दो, उसके बाद सबको यकीन आएगा। हम ना उम्मीद नहीं होता, लेकिन आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन थोड़ी है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। हमको जरा अपना एग्जाम पास करने दो, उसके बाद हम लियारी के लोगों के लिए यही क्लिनिक खोलेगा, फिर सबको यकीन आ जाएगा। हमको लगता है कि लियारी का सारा लोग अब एक खाब देख रहा है। वो कैसे? अरे सब में शऊर बिदार हो रहा है, सब बदल जाएगा। अभी आज दिलावर का बात सुना तो हमको बड़ा हौसला मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसा क्या बोला वो? अरे उसका हौसला उसका यकीन बड़ा पक्का है। वो ऐसे जाल फेंक रहा था, हमको लगा जैसे बहुत बड़ा कोई फुटबॉलर हो, और ये सब वो तफरी में कर रहा था। उसको यकीन देखकर लग रहा था सब बदल जाएगा। आ तो तुम ही तो कहता है, यकीन बहुत बड़ा चीज है इस दुनिया में। बहुत सोचता है दिलावर, बहुत सोचता है। आ तो उसको समंदर में जाने का शौक क्यों हुआ? अरे शौक मोक थोड़ी था, वो तो हमारे साथ दिहाड़ी पर गया था। उसका घर वाला कहता है काम करो, ये फजूल चक्करों में ना पड़ो। आ तो उसको काम करना चाहिए, तुम भी तो काम करता है, रात में आके पढ़ता भी है। अरे उसका अम्मा अब्बा जिंदा है अभी। तुम्हारा भी बहन जिंदा है, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाने दो, उसके बाद देखना हम भी अच्छे से जॉब करेगा, तुम आराम से काम करना। अरे मैं भी आराम करता है, तुम फिक्र ना करो। अच्छा अब ये पढ़ाई मढ़ाई छोड़ो, हम तुम्हारे वास्ते चाय लाया है, ठंडा हो रहा है, पियो। ये सब लोग जानते हैं स्कूल बने मुखालफत होएगा, उन्हें नहीं दियो।
देखो किसी से सवाल किया, अरे जिस मुल्क में जूता नहीं पहनते हैं लोग, उधर अगर तुमको भेज दिया जावे जूता बेचने के लिए तो तुम लोग कैसे बेचेंगे जूता? तो उसने कहा कि हम जूते का अहमियत बताएंगा कि जूता आपके पैर को महफूज रखेगा, गरम सर्द का असर नहीं होएगा पैर पे। हम समझ गए हूँ आपका मतलब, हम सबको अहमियत बताएगा जो बच्चा लोग को स्कूल नहीं भेजता। ये बात है ना, देखो यहाँ लोग बोलते हैं ना कि स्कूल दूर है, बहुत दूर है, उसमें बच्चा लोग ज्यादा है, हम लोग का स्कूल तो गली में है, बराबर में। इसीलिए तो हमको ये ख्याल आया। काम करता है हाँ। हम लोग चलता है दूसरा इलाके में, उधर जाके बात करते हैं। हाँ, चलो चलो आओ आ जाओ, हम सबको बताएगा। हम तो सबसे अच्छा तरीके से बताओ कि भाई तुम लोग क्या करते हो। अरे हमको ये बात हजम नहीं हो रहा है, नादिर की अम्मा ने उसको पकड़वा दिया, अब वो बाहर आएगा तो दादा से लड़ेगा, इल्जाम डालेगा उन पे। अरे कल का कल देखेंगे, तुम अभी क्यों टेंशन ले रहा, क्या हो गया तुमको? ये भी तो हो सकता है कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। अरे नहीं नहीं, वो बहुत बार ताने माने जा चुका है, जेल में रह के आया है वो, उसको परख मरख नहीं पड़ता है कि उसकी माँ को सोचना चाहिए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने से पहले। वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा मैच कब पड़ रहा है? संडे को शाम में। मतलब दो दिन बाद? हाँ। तुम एक दूसरे को देख क्यों रहे? तुम्हें लगता कि हम घबरा रहे क्या? अरे नहीं, हम खुश हो रहे, हमको यकीन है कि तुम जरूर जीतेगा इंशाल्लाह। अरे पता कोच क्या बोल रहा था? कोच बोला था अगर हम ये मैच जीत गया तो हमारा पूरा कराची में नाम हो जाएगा और हमारे लिए नेशनल लेवल पे खेलना बहुत आसान हो जाएगा। अरे इंशाल्लाह तू खेलेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह। निराबल तुम्हारा कैसा रहा दिन आज का? हाँ बहुत अच्छा रहा, अम्मा खुश हो गया हमसे। तेरा शुक्र है। अगर चाय माय मंगा लो। आ छोटू आया, दो कट लाओ, हमने पिया तर भी। वो अम्मा तुम सोया नहीं? हमको नींद नहीं आ रहा, तुम सो जा। अम्मा तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हमको नींद नहीं आ रहा, तुम सो जाओ बच्चा। अम्मा हमने तुमको शाम को बोला था ना कि जाके उसको ले आओ, तुम हमारी बात नहीं माना ना। अभी उसका इधर वापस में आना अच्छा बात नहीं था, उसके लिए खराबी था, वो नुकसान का बात करता। आमने ये इसलिए किया कि उसको पता चले। हम चाहता है वो अच्छा हो जाए तुम्हारा तरह, लियारी का और अच्छा लड़कों की तरह। ये गुंडागर्दी बदमाशी ऐसे लोगों का ना इज्जत होता है ना जिंदगी। अभी उस लड़की को पसंद करता है नौशी को, ऐसा लड़का को कैसा दे देगा वो अपना लड़की? डॉक्टर बन रहा है वो, और ये। अच्छा अम्मा तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो, सुबह चल के उसको ले आना, अभी तुम सो जाओ। जिस माँ का बच्चा घर से बाहर हो उसका सुबह बहुत देर से होता है। अरे देखो बच्चा, देखो बच्चा, एक अच्छा काम हो रहा है ना, थोड़ा और एहतियात करेगा और अच्छा हो जाएगा। अरे उसी का बहन देखो, इलाके का बच्चों को पढ़ा के स्कूल बनाना चाहता है, बिल्कुल हमारी तरह सोचता है वो भी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका ताल्लुक पढ़े लिखे होने से? अरे इससे बड़ा फर्क पड़ता है, जैसा तरबियत होता है वैसा इंसान बनता है, वैसा सोच बनता है।
अगर हमें उस स्कूल के सामने दिखा ना तो इसी जमीन में दफन करेगा हम तुमको। भाई तुमको बदमाश बनने का शौक है लेकिन तुमने बदमाश से निकलता मत। अरे उंगली नीचे करके बात कर, नीचे करके बात कर। पेशर क्या कर रहे तुम? ये ऐसा नहीं है, देख लेना वो बन जाएगा जो हम बोलता है और वो चाहता है। मुक्काबाजी में कुछ टूट गया ना और चारपाई पे पड़ा होगा फिर हम तुमसे पूछेगा। हारने का हमने भी नहीं सोचा कोच। हालांकि सोचना चाहिए क्योंकि ये भी गेम का हिस्सा है। सोचना उसको चाहिए जो हमसे लड़ने आ रहे हैं। ऐसा पुलिस वाला हमको जानता है, तुमको अगले दिन चरस के केस में अंदर करवा दूंगा। तुमको सिर्फ ताने का पुलिस जानता है, उससे ऊपर भी बहुत सारा लोग होता है और ना तुम उनको जानता है और ना ताने वाला उनको जानता है। कुछ वारेंगे इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से किवाड़ी, लियारी से किवाड़ी। को नाप लिया रास्ता हमने नाप लिया, मंजिल हमने है ताड़ी, लियारी से किवाड़ी।